दोस्तों, पुश्तो फिल्मों के मेगा स्टार अरबाज खान की बीवी खुशबू स्टेज और थिएटर पर कौन से काम कर रही है, इस वीडियो में आप तफसील से देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अरबाज खान और उनके वालिद सुपरस्टार आसिफ खान का ताल्लुक पश्तून घराने से है, जबकि उनकी बीवी न सिर्फ पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखती है बल्कि उम्र में भी अरबाज खान से काफ़ी बड़ी है और इस वक्त उनकी उम्र 53 साल के करीब है। अदाकारा खुशबू का असल नाम सूबिया हुसैन है और वो 24 जून 1969 को लाहौर में पैदा हुई, इस लिहाज से उनकी उम्र तकरीबन 53 साल बनती है। अदाकारा खुशबू ने अपने कैरियर का आगाज बतौर डांसर और एक्टर के किया और कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल अदा करने के बाद 1988 में फिल्म माँ बनी दुल्हन में सपोर्टिंग हीरोइन के रोल में सामने आई। इस फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ थी। इस फिल्म के बाद खुशबू ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिनमें जहरीले, नगीना, मर्द, फातेह, चांदनी, गुंडा राज, पुल, खजाना, दिल तेरा आशिक और सैलाब काबिल जिक्र फिल्में हैं। 1997 में रिलीज होने वाली बतौर हीरोइन खुशबू की फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं खुशबू की कामयाब तरीन फिल्म थी, जिसके बाद साल 2000 में खुशबू स्टेज से वाबस्ता हुई और अब तक स्टेज की सबसे कामयाब और सीनियर तरीन आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही है। खुशबू ने 2004 में पुश्तो फिल्मों के मेगा स्टार अरबाज खान के साथ शादी की और ये कामयाब शादी साबित हुई और अब तक बरकरार है। खुशबू और अरबाज खान के दो बेटे हैं। खुशबू लाहौर स्टेज की सबसे महंगी तरीन डांसर है और वो एक शो का 50,000 रुपये मुआवजा लेती है। खुशबू की वालदा का नाम नजमा खान है और उसका एक भाई अब्दुल्ला है। खुशबू ने एक इंटरव्यू में स्टेज लाइफ और नई अदाकाराओं के बारे में कहा कि स्टेज पर कामयाब होने के लिए नई अदाकारें हर किस्म के काम करती है और किसी भी हद तक जा सकती है। उसने ये भी कहा कि इनमें ऐसी अदाकारें भी है जो हर किस्म का नशा करती है और काम हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर को खुश रखती है और प्रोड्यूसर के हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मानती है। कुछ अरसा पहले खुशबू का एक ख़तरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था जिसमें खुशबू की कई हड्डियाँ टूटी थी और वो मौत के मुंह से निकल आई थी। इस हादसे में खुशबू की भतीजी भी हलाक हुई थी। डलती उम्र के बावजूद स्टेज पर अब तक खुशबू कामयाब तरीन अदाकारा है। दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।